हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय, स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे सोलह मार्च करंट अफेयर। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ, ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। शुरू करें क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, ए आर सी आई यानी पावर धातु क्रम के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है और नई सामग्री ने कौन सी नई तकनीक विकसित की है, तो कौन सी की है, तो वो किए कौन सी की है, सौर रिसीवर ट्यूब प्रौद्योगिकी जो है विकसित की है, जो है सौर की है जिसे सूर्य से अपना प्रकाश मिलता है, वो तकनीक विकसित की है जिसका नाम क्या है, सौर रिसीवर ट्यूब प्रौद्योगिकी। ये जो पावर धातुक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र और नई जो सामग्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक लागत प्रभावी और सौर रिसीवर ट्यूब प्रौद्योगिकी विकसित की है। ट्यूब सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और गर्मी को आवश्यक अनुक्रम में परिवर्तित करती हैं। यह एक गीला रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग स्टेनलेस स्टील ट्यूबों को कोटिंग करने और कई उद्योगों में अनुक्रम की प्रक्रिया में किया जाता है। भारतीय उद्योग वर्तमान में सौर प्रौद्योगिकियों को केंद्रित करने के लिए विदेशों से कॉन्सट्रेटिंग सौर ऊर्जा पैनलों को आयात करते हैं और एक नई तकनीक भारत को 2022 तक 100 GW के अपने सौर ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। आगे देखें क्वेश्चन दो। क्वेश्चन नंबर दो है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ईरान ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से वित्तीय मदद मांगी है, तो किससे मांगी है, वो मांगी है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। किसे अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उससे ईरान ने 1962 के बाद पहली बार जो आर्थिक मदद के लिए महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण देश वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहा है और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के साथ परमाणु समझौते की जो संयुक्त व्यापकारी योजना का समर्थन किया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष ने मध्यम आय और कम आय वाले देशों को आपातकालीन धन आवंटित करना शुरू कर दिया है। IMF ने अब तक मध्य आय वाले देशों को $50 मिलियन और कम आय वाले जो देश हैं उनको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $10 मिलियन आवंटित किए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन तीन। हाल ही में मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के लिए कौन सा जो आयोग है स्थापित किया गया, तो वह किया गया है परिसीमन आयोग। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में परमिशन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को परमिशन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। परमिशन अधिनियम 2002 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड राज्यों के विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परमिशन के लिए परमिशन आयोग का गठन किया है। जम्मू कश्मीर के लिए परमिशन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार किया गया और अन्य राज्यों के लिए जनगणना 2031 के अनुसार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के तहत परमिशन आयोग का गठन किया गया है। इसका गठन परमिशन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत किया गया है। आज तक परमिशन वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ है इससे पहले। आगे देखेंगे क्वेश्चन चार। CSR पहल प्रगति को किस उद्देश्य से फेसबुक इंडिया द्वारा शुरू किया गया है, तो किया गया भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। फेसबुक इंडिया ने फेसबुक प्रगति पहल की शुरुआत की जो नेज सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन द्वारा संचालित की गई। यह पहल शुरुआती चरण की महिलाओं के नेतृत्व वाली गैर लाभकारी कंपनियों को बढ़ावा देगी जो भारत में महिलाओं के बीच महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में काम कर रही है। फेसबुक प्रगति पहल ऐसे गैर लाभार्थियों को अपना काम बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपये तक के 4 अनुदान प्रदान करेगी। भारत में महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों की संख्या काफ़ी कम है और इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्थापित करने और साथ ही साथ उनके व्यवसायों को बढ़ाने, अर्थव्यवस्था में सहयोग देने की में मदद करना है। आगे देखें क्वेश्चन पाँच। 13 मार्च 2020 को किस कश्मीरी राजनेता का निरोधात्मक प्रतिबंध हटा दिया गया है, तो है फारूक अब्दुल्ला का। अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद जम्मू कश्मीर में कई राजनीतिक नेताओं का जो है रेशात्मक रखा गया था। उनमें से एक थे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जिनको उनके खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा कानून लगाया गया था और उन्हें पिछले
अगस्त से घर में गिरफ्तार किया गया था। वरिष्ठ राष्ट्रीय सम्मेलन के नेता, 5 बार के सांसद, वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं। इस जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 7 महीने की नजरबंदी के बाद जो है 13 मार्च को उनके खिलाफ कड़े सार्वजनिक सुरक्षा कानून को रद्द कर दिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 6, तेल की कीमतें हाल ही में 9 मार्च 2020 को किस प्रतिशत से कम हुई है? तो वो ये 20 से। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपीईसी के उत्पादन में कटौती करने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप 9 मार्च 2020 को कच्चे तेल की कीमतों में 20% की कमी है। ये सऊदी अरब, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने तेल उत्पादन को कम करने के लिए ओपेक में एक सौदा प्रस्तावित किया है, क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण तेल की कीमतें कम हो जाएगी। लेकिन सभी प्रमुख ओपेक देशों ने इस सौदे से इनकार कर दिया। रूस द्वारा इस सौदे को अस्वीकार करने का कारण अमेरिका द्वारा काउंटिंग अमेरिका के सलाहकारों को संधि अधिनियम के माध्यम से लागू करना था, जिसने कई देशों को रूस से तेल आयात करना बंद कर दिया, इसने रूस को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है तेल रिजर्व बना दिया है। आगे देखिए जो आज का सवाल आपके लिए और जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा। अगर आपका राइट आंसर रहता है तो अगले वीडियो में आपका नाम दिया जाएगा, जिस प्रकार से ये हैं। तो आज का जो क्या सवाल है आपके लिए वो देख लेते हैं। सवाल देखते हैं, सवाल है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है उसका नाम नया क्या प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन दे लेते हैं। ऑप्शन है नाना शंकर सेठ स्टेशन, सचिन तेंदुलकर सेंट्रल स्टेशन, बाला साहेब ठाकरे सेंट्रल स्टेशन या छत्रपति शिवाजी सेंट्रल स्टेशन। अपने जो राइट आंसर है वो नीचे कमेंट के द्वारा दें। अगर आपका राइट आंसर रहता है तो अगले वीडियो में नाम दिया जाएगा। पिछली वीडियो का क्या क्वेश्चन था वो दे लेते हैं और उसके सही जवाब देने वाले विजेता भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों हेतु तो न्यूनतम जो बैलेंस राशि थी उसकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो किसने किया है वो किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। और सही जवाब देने वाले जो विजेता उनके नाम है इस प्रकार है, मोहित चौधरी, प्रियंका कुमारी, राम दुलार रॉय और विनिकेत कुमार। आप चारों को हार्दिक हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आप सभी को वीडियो पसंद आया, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन प्रेस करने के साथ, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।